हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही होनहार मिस्त्री साहब हैं, जो कि काफ़ी सालों से मशीनरी के और जो इंजन वगैरह होते हैं उनके बहुत ही अच्छे कारीगर हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इनसे मिलिए और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे, जैसे मोटर के चक्की वगैरह ये सब होते हैं, तो इनके बारे में कुछ सवालात करेंगे और ये आपको जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमारे चैनल को, मेरी रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। ओके दोस्तों, अब हम इनसे सवाल पूछते हैं। तो बताइए मिस्त्री साहब, अगर हमारे जैसे कि चक्की के बारे में, जैसे वर्टिकल चक्की है, खड़ी चक्की जो होती है, उनके चक्कर कितने होने चाहिए, कम से कम कितने चक्कर होने चाहिए, और अगर कम होंगे चक्कर तो क्या होगा, और ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, ये बताइए। ज़्यादा चक्कर चक्की के कभी ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 500 से ऊपर, 550 के लगभग हों। अच्छा 550 से ऊपर चक्कर नहीं होने चाहिए, और 400 से नीचे अगर चक्कर होंगे तो आपका गीला आटा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा अच्छा जैसे कि कुछ लोगों के चक्कर ये हैं जिनको पता नहीं होता, वो क्या करते हैं कि जैसे 1440 की कुछ मोटरें होती हैं, और वो ला के और 6 की पुली या 12 की पुली चक्की के सामने डाल देते हैं, तो वो उसमें कितने चक्कर हो गए उनके, वो तो 720 चक्कर हो जाएंगे। 1440 की अगर मोटर है चौदह से तो। चालीस की अगर मोटर है, 6 की पुली जी अगर मोटर पर डाल दी और 12 की पुली चक्की पर है, तो उसके 720 चक्कर हो जाएंगे। तो ये तो इतने गलत होंगे, चक्कर नहीं होने चाहिए, ये चक्कर तो गलत हैं, ज़्यादा यह गलत हो जाएगा। चक्कर दोस्तों, जैसे मोटर कि लोड लेगी, यूनिट ज़्यादा निकालेगी, बिल ज़्यादा आएगा, पता नहीं लगेगा। बहुत सी मोटर को मतलब मालूम नहीं हो पाता है, लोड लेगी, 400 देते ज़्यादा हैं, लोड लेगी। लोड लेगी, और कुछ लोग समझते हैं कि वो जैसे कि ज़्यादा चक्कर होंगे तो अच्छा रहेगा, आटा नहीं ठीक नहीं 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 आएगा। नहीं ज़्यादा चक्कर होने से कभी ऐसा नहीं होता, अच्छा कभी भी ऐसा नहीं होगा। चक्कर हिसाब से अगर होंगे तो आपकी निकासी सही होगी, आटा भी सही बनाएगी, मोटर भी ठंडी चलेगी। चक्की को भी हवा चाहिए, उसके नीचे पंखा जो होता है एक इंगल लगी हुई, उसमें आप पटा लगाएं और इस तरीके का लगाएं कि दबिश गिराने पर वो पटा आटे को शोर करके, पूरे को सकेर करके निकासी कर दे। यानी जब हम दबिश फ्री करते हैं तो वो प्लेट से लगना चाहिए पटा प्लेट से लगना चाहिए थोड़ा, थोड़ा। ठीक है। अच्छा अब ये जैसे कि अब हम 1440 की मोटर अगर लाए हैं और उसमें हमें 600 550 चक्कर चाहिए, 600 से नीचे नीचे चक्कर होने चाहिए, तो उसमें हमें क्या, कौन सी पुली लगानी चाहिए, चक्की पे कौन सी लगाएं और मोटर पे कौन सी लगाएं। 1440 चक्करों की अगर मोटर है आपकी, तो 12 की पुली अगर चक्की पे है तो उस पे आप ये समझ लीजिएगा 4 इंची की पुली डालें। मोटर पर मोटर पे चार और इंची की पुली डालेंगे और 12 इंची की पुली आप चक्की पर फिट कर दें, तो चक्कर भी सही, निकासी भी सही, मोटर का लोड बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल सही सही चलेगी। तो उसमें 4 इंची की पुली डालने से और सामने अगर 12 की पुली है तो कितने चक्कर हो जाएगा। उसके चक्कर ज़्यादा नहीं होंगे, मतलब ऐसा होता है कि इतने चक्कर नहीं होंगे, कोई ऐसा हो जाएंगे, कोई 4 या 12, 5 या 15, मतलब 500 के लगभग चक्कर हो जाएंगे। 500 हो जाएंगे जो कि बिल्कुल सही रहेंगे। अच्छा अगर मोटर हमारी जैसे 900 चक्कर में है, 960 चक्कर में आती है, जैसे 960 चक्कर में है और किसी भाई के पास वो है, तो उसको कैसे चलाना चाहिए। 960 की अगर मोटर है आपकी, तो उस पर 12 की पुली अगर चक्की पे है तो वहाँ पे 6 की पुली डालेंगे तो जी आपके 480 चक्कर हो जाएंगे। 400 से चक्कर 480 चक्कर हो जाएंगे, उस पर भी सही चलेगी। सही बाकी चल, 960 की मोटर रखनी नहीं चाहिए चक्की वाले को, वो लोड अच्छा लेती है, लोड का पता नहीं लगता, मोटर दबने की तो है नहीं, बाकी चक्कर चक्की के नहीं बन पाते और वो बिजली ज़्यादा लेती है, खाली पे अच्छा भी यूनिट ज़्यादा लेगी, एम्पियर ज़्यादा लेती है। अच्छा
तो अगर जैसे किसी के पास 900 चक्कर की मोटर है और वो उसको अगर 1440 में चेंज कराना चाहे तो हो जाएगा वो? बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, कोई अच्छा मिस्त्री हो उसे देखो, उससे कहो कि हमें ये 1440 चक्करों की मोटर बंधवानी है, वो बिल्कुल बांध देगा। अब उसके अंदर वजह क्या होती है, बहुत मिस्त्री अनाड़ीपन से काम करते हैं, किसी मोटर में 960 की जो मोटर होती है 10 हाथ पावर की, उसमें ज़्यादातर 18 नंबर का तार होता है। अब 18 नंबर का तार अगर निकाल दिया तो बहुत मिस्त्री उसमें चक्कर काटते हैं, 19 नंबर का तार डबल उसमें डालिए और मोटर बिल्कुल सही चलेगी, 1440 में सही चलेगी मोटर, ठंडी चलेगी। यानी कि जो मोटर के अंदर 960 चक्कर में जो 18 नंबर का गेज होता है, हाँ, उसको 19 नंबर के गेज में डबल में डालना है? डबल में डालना है। तो दोस्तों आपने सुना अभी कि 1440 में हो जाएगी, तो दोस्तों अभी ध्यान दीजिए इस बात को, अगर किसी के पास 960 चक्कर की मोटर है तो आप उसको 1440 की आराम से करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर उसके जैसे कि किसी के पास सापट वगैरह है तो वो 960 चक्कर से चला सकता है? हाँ चला सकता है। अगर काउंटर सापट है तो उसमें जो बीच में है जो साफ्ट है उसके बराबर बराबर पूरी चाहिए। अच्छा, उसमें कम बढ़ती ना करें, 24-24 हों तो दोनों 24-24 की हों, 28 की हों तो 28 की हों, 20 की हों तो 20 की हों, समझे। और वहाँ 6 की पुली करें, वहाँ 12 की पुली। यानी अगर मोटर के सामने 20 की है तो चक्की के सामने भी 20 की चाहिए? चक्की के सामने भी 20 की आनी चाहिए। और जैसे मोटर की पुली है 6 की तो चक्की की कितनी होगी? चक्की पर 12 की होनी चाहिए। अच्छा ठीक है दोस्तों, तो आप सुन रहे हैं दोस्तों, आप ये देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। बहुत से दोस्त मैंने देखा है कि काफ़ी चक्की या मोटर के चक्कर में उलझ कर रह जाते हैं और जिसकी वजह से एम्पियर भी काफ़ी आता है, लोड ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये बात ध्यान में रखने की बात है कि अगर 960 की मोटर है आपके पास तो अभी मिस्त्री साहब ने जो बताया है उसको ध्यान में रखें कि काउंटर साठ पे चक्की के सामने भी और मोटर के सामने भी अगर 20-20 दोनों 20 की ही हैं तो 20 की रहनी चाहिए। ये ना हो कि एक 20 की मोटर के सामने और चक्की के सामने 22 की या 20 की कर दी गड़बड़, या 24 की कर दी गड़बड़, नहीं होनी चाहिए। तो आमने सामने रहनी चाहिए और 6 की मोटर पे रहेगी तो 12 की चक्की पे होनी चाहिए, तो उससे चक्कर सही हो जाएंगे। और जैसे कि ये 750 चक्कर जो चक्की को मिल रहे हैं, अगर उसमें किसी भाई को परेशानी होती है और अगर वो किसी वजह से मोटर की पुली ना बदल पाए, 4 की जो आपने बताया 4 की पुली ना बदल पाए, तो चक्की पे कितने की कर दें? चक्की पे बदल दो, मोटर पर 5 की हो जाए, 6 की अगर उस पर हो रही तो मतलब वैसे 6 की से चक्कर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बाकी शिमाल कर लेती है वो भी, उस पर 14 इंची की पुली पड़ जाती है चक्की पर, पुली तो बदलनी पड़ेगी। जैसे अगर मोटर पर ना बदल पाए किसी हालत में, या जैसे किसी के पास चक्की की 2-3 साइज पुली हैं, तो चक्की पर बढ़ानी चाहिए कि घटानी चाहिए? चक्की पर क्या, जैसे कि 960 की अगर है, 1440 की अगर है चक्की पर, वैसे 5 मोटर पर 5 इंची की पुली काम कर सकती है और चक्की पर 14 इंची की पुली पड़ सकती है, पुली तो घटानी बढ़ानी पड़ेंगी। यानी जहाँ तक जैसे एम्पियर कम करने का सवाल है तो एम्पियर कम हो जाएगा, एम्पियर कम करने के लिए यानी मोटर पे घटानी चाहिए और चक्की पे बढ़ानी चाहिए? घटानी चाहिए, मोटर पे हमेशा घटानी चाहिए, हमेशा घटानी और चक्की पे हमेशा बढ़ानी चाहिए, हमेशा बढ़ानी चाहिए। कुछ लोग ये करते हैं कि मोटर पे बढ़ा देते हैं चक्की पे घटा देते हैं, तो उसके लिए वो गलत हो जाता है? वो गलत होता है, ठीक है। चक्की के 480 चक्कर भी अगर हैं तो वो बिल्कुल सही चलेगी, और 550 तक इससे ऊपर चक्की के चक्कर नहीं होने चाहिए, 550 से ऊपर चक्कर नहीं होने चाहिए। और मोटर का भी ध्यान दें, एम्पियर का ध्यान दें, एम्पियर ज़्यादा ना लें। और अगर 4 इंची की पुली मोटर पर है 1440 पर, 12 इंची की वहाँ है तो बहुत ही सही रहेगा, आपका लोड कम हो जाएगा, जो यूनिट निकाल लिया है मीटर वो देर में निकालेगा और चक्की की आपकी निकासी बढ़ जाएगी, लोड कम हो जाएगा।
मोटर खुलेआम बिल्कुल सही चलेगी, ठंडी चलेगी मोटर आपकी, हाँ कुछ गर्म नहीं होगी। कुछ लोगों के कमेंट भी आए हैं मेरे चैनल में, कुछ लोगों के कमेंट ये हैं कि मोटर काफ़ी गर्म चलती है, लोड लेती है, और कुछ लोगों का तो ये भी है कि जैसे कि 12 10 10 हार्स पावर की मोटर है और 18 इंच की चक्की पे भी 12 एम्पियर ले लेती है, तो वो क्या वजह हो सकती है? वो वजह लोड ही ले रही है, पुलियों में गड़बड़ा है, लोड पकड़ रही है। 18 इंची के सामने जो 10 हाथ पावर की मोटर है, 18 इंची की चक्की तो कुछ भी वैल्यू नहीं रखती, वो तो 24 इंची को खींचती है। 10 इंची की जो 10 हाथ पावर की जो मोटर होती है वो तो 24 इंची चक्की को आराम से खींचती है। यानी अगर मोटर का कॉम्बिनेशन ठीक होगा हाँ। तो 24 इंच की चक्की भी 10 हाथ पावर की मोटर से आराम से चला सकता है। आराम से चलेगी, बिल्कुल आराम से चलेगी, चला के देखिए कोई भी, और ना चले तो हमें बताइए। दोस्तों अगर आपको किसी को भी कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ सकता है, हम उसे ज़रूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। और दोस्तों मैं हमने काफ़ी बंदों को रिप्लाई भी दिया है, तो इससे आपने आज ये मिस्त्री साहब की बातें सुनी, और दोस्तों अगली वीडियो में फिर से हम आपको कोई और बात बताएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके दोस्तों, बाय बाय।